हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की कचौड़ी। इसके लिए हमने लिया है 1 इंच अदरक काट करके, फिर प्याज मोटा कटा हुआ, हरी मिर्च और लहसुन, जीरा, नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, मटर। मटर को हम लोग करीब आधा केजी छील करके तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में हम लोग तेल गरम कर लिए हैं। अब हम लोग जीरा डालते हैं। हरी मिर्च डालते हैं। लहसुन छिला हुआ डालते हैं। कटा हुआ प्याज डालते हैं। अब हम लोग इसको धीमी आंच पे भूंजेंगे, बीच बीच में ऐसे ही चलाते हुए। अब इसमें हम लोग मटर डाल लेते हैं। मटर को भी हम लोग ऐसे बीच बीच में चला करके भूनेंगे। और मीडियम हीट में भूनना है। जितना हम लोग मटर को अच्छे से भूनेंगे, उसका फ्लेवर उतना अच्छा निकल के आएगा, उसका कलर अच्छा से आएगा। अब हम लोग नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद अच्छे से ये भून जाएगा। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। अब इसको अच्छे से हम लोग चलाते हैं फिर से। ढक ढक करके हम लोग इसको बीच बीच में भूनते रहेंगे। अब हम लोग कचौड़ी के टूप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग लिए हैं 1 कप सूजी और 2 कप मैदा। इसको हम लोग बाउल में डाल लेंगे। 4 चम्मच के करीब दही डाल लेते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, हल्का सा। फिर इसमें मैदा मिलाते हैं। अब हम लोग इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल देंगे। अब हम लोग इसमें घी को हल्का सा गर्म करके डालेंगे। कचौड़ी को खस्ता बनाने के लिए इसे मोयम डालना जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग घी का यूज कर रहे हैं। 5 चम्मच के लगभग हम लोग घी मिलाते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। हम लोग अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। आटे को जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना अच्छा डोट तैयार होगा। पानी की सहायता से हम इसको डूब तैयार कर लेंगे। डूब को हम लोग थोड़ा सख्त ही बनाएंगे, ज़्यादा लूज नहीं करेंगे। हम लोग को ऐसे ही आटा तैयार कर लेना है। ना ही ये सॉफ्ट है और ना ही ये कड़ा है। ये आटा कचौड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको हम लोग ढक करके आधे घंटे के लिए रेस्ट होने रख देते हैं। अब हमारा मटर भून करके तैयार हो गया है। इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमारा मटर ठंडा हो गया है। इसको हम लोग मिक्सी जार में बिना पानी के सूखा ही पीसना है, पानी नहीं डालना है इसमें। सूखा पीस पीस के हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह सारा मटर को हम लोग पीस लेंगे।
पीसने पानी इसमें अगर डालते हैं तो फिर ये इसमें हम लोग पानी नहीं मिलाएंगे, इसको सूखा ही पीसेंगे, इसीलिए कि बेलने में फिर परेशानी होगी। पीसने के बाद हमारा मटर ऐसा दिखेगा। कचौड़ी के लिए हम लोग आटा बेलते हैं, इसकी छोटी छोटी लोई को तैयार करके पहले बेलना स्टार्ट करेंगे और फिर छोटा सा पूड़ी टाइप का बना लेंगे, पतला सा। उसके बाद हम लोग इसमें फिलिंग भरेंगे, इसमें एक चम्मच करीब लगभग जो मटर बनाए हैं उसको भर कर इसमें भर लेते हैं और इसका धीरे धीरे चारों साइड से दबाते हुए इसका मुंह हम लोग बंद कर लेंगे अच्छे से। इसका मुंह को फिर अच्छे से बाद में प्रेस करके दाब देंगे और उसको उल्टा साइड से दबा करके हल्के हल्के हाथ से हमको इसका कचौड़ी बेलना है, जिसके नहीं तो फिर ये फटने का चांस होता है। इसीलिए इसको तो हल्के हल्के हाथ से इस तरह कचौड़ी बेल बेल के तैयार कर लेंगे और फिर हम लोग इसी तरह हम लोग सारे कचौड़ी को तैयार कर लेते हैं। उसको तैयार करके प्लेट में लगाते जाएंगे। अब हमारी सारी कचौड़ी तैयार हो चुकी है, अब इसको हम लोग तल लेते हैं तेल गरम करके। इसमें 3-4 कचौड़ी डाल लेंगे और इसको पहले तेल को गरम करना है और फिर कम हीट में कर देना है और कम हीट में ही इसको हमको छानना है, जिससे हमारी कचौड़ी क्रिस्पी बने। देखिए मेरा कचौड़ी कितना अच्छा क्रिस्पी तैयार हुआ है। देखिए इसको हम लोग तोड़ के आपको दिखाते हैं कितना क्रिस्पी बना है। इसको अपने घर पर बना के ट्राई करें और ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए अंजू किचन को सब्सक्राइब करें।